film Jubilee that releases on the 22nd of Jan at a cinema near you. बस मैं यही चाहूँगी कि काफ़ी अरसे के बाद मैं एक फिल्म में आई हूँ, तो जो दर्शकों का प्यार मुझे अभी तक मिलता रहा है वो इसमें भी आगे जारी रहे। फिल्म का जो टाइटल है जुगनी, जुगनी आपके मायने में क्या जुगनी? जुगनी होती है फायरफ्लाई, जो चमकती है, जो फ्री है, वो कहीं भी उड़ सकती है, और उसी को लेके ये, और जुगनी अपने आप में बहुत लिरिकल वर्ड भी है, तो अब उसी को, उसी पे बेस की हुई है फिल्म। एक लड़की की जर्नी है जुगनी। जब एक नाम सुनाई देता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, ये किसी एक चीज़ को लेके पागल है, जिसके लिए, जिसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर जाए। तो आप ऐसी किसी चीज़ के लिए पागल हैं? हाँ, मैं पागल हूँ म्यूज़िक के लिए, बिल्कुल पागल हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए मैं चमकती हूँ, और म्यूज़िक के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आपकी फिल्म आई थी नदिया के पार, जिसने आपको एक अच्छा मुकाम दिया, एक अच्छी पहचान दी नदिया के पार, और नदिया के पार के बाद ये जुगनी, तो इन दोनों के म्यूजिक में क्या डिफरेंसेस आप पाते? वो हमारे नॉर्थ का की मिट्टी की खुशबू थी, ये हमारे पंजाब की मिट्टी की खुशबू है, खुशबू दोनों ही है। तो नॉर्थ की मिट्टी और पंजाब की मिट्टी की खुशबू में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि देखिए, मैं बनारस की पैदाइश हूँ, तो वहाँ से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे वहाँ का भी म्यूज़िक बहुत दिल को छूता है, और क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पंजाब का म्यूज़िक भी बहुत छूता है। तो दोनों के अलग रंग हैं, लेकिन बात तो वही है, असर दोनों में है। जब जब आप कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल करती हैं, तो सबसे पहले क्या लिखती हैं उस फिल्म या सीरियल को करने के लिए? सीरियल का तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सीरियल तो एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, एक स्टोरी लेके चलते हैं, उसके बाद जो पॉपुलर होता है उधर मुड़ जाते हैं, तो उसका नहीं। लेकिन हाँ, फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसका एक आर्च रहता है, एक कैरेक्टर शुरू होता है और उसका अंत होता है, सीरियल्स में ऐसा नहीं होता। तो अभी तक तो ऐसा कुछ ऑफर आया नहीं मुझे, जो 20-25 साल में लोग आए भी तो वो एक अलग अलग बातें करके कि उसकी माँ का रोल है, उसकी बहन का रोल है, तो ऐसी कोई बात नहीं आई जिसने मुझे मजबूर किया हो कि मैं करूँ फिल्म। तो ये एक अच्छा कैरेक्टर आया मेरे सामने, तो इसलिए मैंने हाँ कहा। जुगनी में ऐसी क्या बात थी जिसने आपको करने के लिए ये सामने? सबसे पहली बात तो म्यूज़िकल फिल्म थी, और कुछ अरसे से मैं वैसे भी पंजाबी म्यूज़िक सडनली पता नहीं कैसे एक्सप्लोर कर रही थी, यूट्यूब्स पे जा रही थी, और क्या कैसे जुड़ी हुई हूँ मैं पंजाब से मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आ रही थी कि मैं पंजाबी म्यूज़िक जानूँ। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रही थी जब ये जुगनी मुझे ऑफ़र हुई, और जैसे मैंने और जगह भी कहा है, शिफाली जब मेरे पास आई, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हीरो की माँ का रोल है, उन्होंने ये कहा कि एक कैरेक्टर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने सबसे पहले कैरेक्टर सुनाया जो कि माँ भी है, तो ये बहुत बड़ी वजह थी मुझे इस फिल्म को हाँ कहने के लिए। जैसा कि आपने फिल्म की थी नदिया के बाद, उसमें गांव की खुशबू को दर्शाती है, मतलब बिल्कुल जो एक छोटी सी फैमिली होती है उनके प्यार को दर्शाती है, उस तरह की फिल्में अब काफ़ी कम बन रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि उस तरह की फिल्में नहीं बन रही, जबकि वैसी कोई बनती है तो अच्छी सक्सेस होती है और अच्छा बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट भी आती है? लोग बहुत आगे निकल चुके हैं अब, वो जो सिंप्लिसिटी, जो सरलता थी, लोगों के दिलों से, दिमाग से निकल चुकी है, यू नो। वो आज हम नदिया के पार देखते हैं, मैं उससे अभी तक इतनी पूरी रूप से जुड़ी हुई हूँ उस फिल्म से, कि मैं अपने आप को अलग ही नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि जब फिल्म दिल से बनाई जाती है, दिमाग से नहीं, और नदिया के पार ऐसी फिल्म थी जो दिल से बनाई गई थी, उसके बाद मुझे लगता है जुगनी भी बहुत पैशन के साथ और दिल से बनाई हुई पिक्चर है। और ऐसी फिल्में मुझे नहीं लगता, जो हाँ कुछ लोग हैं, कोई ऐसा वर्ग है जो ये फिल्में देखना चाहता है, बट हमारी दुनिया कहीं बहुत आगे निकल चुकी है। आप अभी भी अगर कहीं बाहर ट्रैवल करती हैं या फिर कहीं भी जाती हैं, तो लोग क्या आपको भूजा के नाम से बुलाते हैं या फिर आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जाना ही जाता है गुंजा के नाम से, बल्कि अभी
किसी ने बोला कि पेज शुरू करो, पेज शुरू किया तो बहुत सारी साधना सिंह थी, तो मुझे गुंजा जो जिसने मेरा पेज बनाया उसको गुंजा लिखना पड़ा, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ गुंजा के नाम से जानते हैं, बल्कि कई लोग हैं जो मतलब दूसरे छोटे वर्ग के लोग हैं या जो मिडिल क्लास या गांव के लोग हैं, उनको लगता है शायद मेरा नाम गुंजा ही था, मैंने साधना क्यों चेंज कर लिया, तो मैं इस तरह से जुड़ चुकी हूँ उस नाम से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, मुझे एक कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और लोग मुझे उस गुंजा को प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके प्यार का मैं मतलब इस्तकबाल करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब औरतें आगे आके कुछ काम करें, तो शिफाली के साथ काम करके कमाल का एक्सपीरियंस हुआ मुझे, उसके माइंड की क्लैरिटी, वो क्या टोन चाहती है, क्या सोचती है, और वो जब मुझे लगता था मैंने एक सीन किया ये ठीक है, लेकिन जब वो समझाती थी कि नहीं इसको इस तरह से करने से, तो मुझे वाकई लगता था ये बेटर हो गया सीन, तो उसकी ये जो क्लैरिटी है उसके लिए मतलब हैट्स ऑफ करना चाहूँगी। और फिल्म 2 दिन पहले ही रैप अप हो गई, जबकि ऐसा होता नहीं इंडस्ट्री में, हम ओवर बजट जाते हैं, हम 10-10 दिन 20-20 दिन एक्स्ट्रा शूट करते हैं, बट फॉर्चुनेटली नदिया के पार और इसमें दोनों में यही सिमिलरिटी रही कि ये टाइम पे ख़त्म हुई फिल्म, तो वो दिखाती है कि एक डायरेक्टर कितनी क्लियर है, और मुझे बहुत खुशी होगी जब और औरतें आगे इस तरह का कुछ काम करें। अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि ज़िंदगी आगे कहाँ ले जा सकती है, मुझे अभी तक की जो जर्नी की मैंने बहुत अपने ढंग से चली हूँ, और आगे भी अपने कन्विक्शन के साथ चलना चाहती हूँ, कुछ अच्छा आएगा ज़रूर करूँगी, अच्छा नहीं आएगा छोड़ दूँगी। जुगनी में एक फोक सिंगर है जिसको ढूंढते ढूंढते हीरोइन आती है, और मुझसे मिलने से पहले वो हीरो से टकरा जाती है जो मेरा बेटा है, एक कैरेक्टर है जो बहुत प्रैक्टिकल है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खफा है अपने बेटे से, क्योंकि वो आजकल के चालू म्यूज़िक गाता है, और जिससे वो बिल्कुल अग्री नहीं करती है, उसको लगता है कि वो एक लाइनेज लेके आ रही है, एक ख़ानदानी सिंगर है, तो उस तरह कुछ अच्छी बात, अच्छा म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक लेके वो लड़का आगे चले, उस बात को लेकर इन दोनों में कुछ खटमट है माँ बेटे में, और वो बहुत प्यारे ढंग से शेफाली ने दिखाया, बहुत ओवर द टॉप नहीं गए, बहुत नेचुरल वे में, और कैसे वो एक कल्मिनेशन होता है उस चीज़ का, कैसे वो लोग दोनों एक पेज पे आते हैं फिर। मेरे लिए जुगनी में एक्चुअली बिफोर आई स्टार्ट आई लव्ड हर इन गैंग्स ऑफ वासेपुर सो गुड एंड इट्स बीन ट्रेमेंडस वर्किंग विद अनुरिता ऑन दिस फिल्म। जुगनी में मेरा कैरेक्टर विभावरी का है जो म्यूजिक डायरेक्टर है जो मुंबई में काम करती है, लेकिन जो भी वो बना रही है वो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, सब बाउंस हो रहे हैं उसके आइडियाज़। तो एक दिन उठती है, अपना बैकपैक डालती है और हसनपुर की टिकट लेती है, चली जाती है बीबी स्वरूप को ढूंढने के लिए जो हसनपुर में एक सिंगर हैं, लेकिन बीबी स्वरूप से पहले वो मिलती है मस्ताना से जो उनके बेटे हैं जो खुद गाना गाते हैं, एंड नॉट ओनली डज शी फॉल इन लव विद हिज वॉइस बट शी फॉल्स इन लव विद हिम, और उसके बाद अ लॉट ऑफ थिंग्स गो रॉन्ग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स गो राइट। या जी आई थिंक विभाव इंडियन मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़की है,
मैंने ऐसे देखा ही नहीं पहले कि मतलब जो आपका जो स्क्रिप्ट है वो उसके जो चॉइसेस हैं उस पर डिपेंड करता है कि अब वो क्या करेंगे. तो उस मामले में आई थिंक एक जो सेंस ऑफ एडवेंचर, सेंस ऑफ मैडनेस, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो विभावरी में है वो एक्चुअली मेरे भी, मैंने भी कोई ऐसा किरदार नहीं निभाया जिसमें पहले वो थी. अगर आप देखें भी पोस्टर में देयर इज अ सेंस ऑफ मैडनेस अबाउट हर व्हिच इज क्वाइट लवली एंड डिफरेंट. ओके, या योर टर्न. ओके, सो शेफाली ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था एंड मैंने ऑडिशन लिया और आई गॉट सेलेक्टेड. सो ये है प्रीतो गारोले जो कि एक सरदारनी है, पंजाब के एक पिंड में हसनपुर में रहती है, वहीं पली बड़ी है, मस्ताना से प्यार करती है, मस्ताना उससे प्यार करता है, एकदम बेसरी है. मतलब सारे गामा तो दूर की बात है, सा का सा भी नहीं लग सकता उससे. और बट हाँ, वो आई मीन उसका प्यार ही उसका म्यूज़िक है मस्ताने के लिए. और दिल की एकदम साफ लड़की है, जो दिल में है वही बोलती है, गुस्सा हो चाहे दुख हो जो भी. सो दैट्स अबाउट प्रीतो. आई मीन शी इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. और जैसे विभावरी का कैरेक्टर है जिसमें जो रोल है जिसमें इन्होंने फ्रीडम दिखाया, वैसे ही प्रीतो का जो रोल है उसमें भी शेफाली ने जो जो भी इस फिल्म में जो फीमेल्स हैं ना, चाहे वो बीबी स्वरूप हो, चाहे विव हो, चाहे प्रीतो हो, इनकी स्ट्रेंथ है इनकी इंडिपेंडेंस और इनकी फ्रीडम और इनका पावर टू मेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन लाइफ. मतलब खुद अपने चॉइस, ये नहीं कि ये हो रहा है तो पकड़ के बैठ गए. इट्स लाइक आप अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड करें एंड दैट्स अबाउट इट. दैट्स द पावर ऑफ ऑल द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स. जो भी है कंपैरिजन बहुत ज्यादा गैंग्स ऑफ वासेपुर आई वाज एब्सोल्युटली अ कॉय गर्ल. शमा परवीन का जो रोल था उसकी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है, शी इज बेसिकली जो हो रहा है ठीक है. बट प्रीतो ऐसी नहीं है. प्रीतो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एकदम जो उसके दिल में है वो मुंह पे है. लाइक वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके प्यार को कोई छीन ले. शी विल फाइट फॉर इट एंड शी डज. बट आफ्टर अ पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में कि पावर इज नॉट इन कीपिंग समबडी विद यू. आप उसको जाने भी दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पावर. बिकॉज Absolutely. That's what freedom is like. You liberate it. Like in pain also you have lot of मतलब आप दुख से गुजर के, वो कहते हैं ना आँख का दरिया और डूब के जाना है प्यार, ये वही है. So प्रीतो and शमा परवीन are absolutely different, like completely. Okay, means you're saying we'll see a modern avatar of Shama Parveen in the form of Prito. Say that again, sorry. Because you're saying we'll see Shama Parveen in the avatar in the form of Prito. No, it's a completely different person. You'll see me as Prito. Shama Parveen was a different person. Prito is completely different. A modern version. In a lot of ways, yeah. दिमाग से, उसकी सोच से, रहती पंजाब में है, लेकिन definitely very progressive. मतलब अपने decisions खुद लेना और उस पर अमल करना. ऐसा नहीं कि confusion नहीं है, वो जो है वो है. So, yeah. आप दोनों से जाना चाहिए, म्यूजिकल लव स्टोरी है और कहीं ट्राइंगल भी नजर आता है. जैसा कि मुझे थोड़ा भी मालूम पड़ा, हर साल बॉलीवुड में अनगिनत लव स्टोरीज बनती हैं, कुछ कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं. क्या अलग होगा इस लव स्टोरी में जो लोगों को बांधे? तो बोलो. आई थिंक द लव स्टोरीज दैट वी हैव सीन टिल नाउ स्लाइटली अनरियलिस्टिक. मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि आप एक लव स्टोरी देख रहे हैं जिसमें सब कुछ परफेक्ट है तो फिर लोग इतने परेशान थे. अगर लोकेशंस इतनी परफेक्ट हैं, बाल इतने परफेक्ट हैं, अगर सेट्स इतने परफेक्ट हैं तो फिर परेशानी क्या है. बट आई थिंक जुगनी इज़ वेरी रियल यार. मतलब कुछ स्क्रिप्ट, कुछ शिफाली की ऐसे डायलॉग्स हैं जो हो सकता है आपने कहे हो अपने किसी पार्टनर से, आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे चीज़ों से गुजरे हों. सो जुगनी इज़ अ लव स्टोरी बट इज़ वेरी रियल. इट्स समथिंग दैट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस एट अ सर्टन एज इन आवर लाइफ. I think it's not particularly a love story. I think it's a relationship drama more that and a musical. Yeah. मुझे जो भी आपने अभी तक बॉलीवुड लव स्टोरीज देखी होगी ना, उसमें गाने, म्यूजिक होता है एक दूसरे को पटाने के लिए, मतलब प्यार में आने के बाद. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे म्यूजिक, एक म्यूजिक से अपने आप में एक प्यार है. लाइक म्यूजिक के साथ अपना एक अलग रोमांस चल रहा है विप्स का और मस्ताना का और बीबी स्वरूप का. और उसके साथ जो रियल लाइफ में एक दूसरे से प्यार होता है, प्यार खत्म हो जाता है, हम किसी और से प्यार में हो जाते हैं,
it's not a love triangle, it's actually, as she said, it's relationship drama, like jo real life mein hota hai, so it's very unlike and it's very subtle like that.